आत्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो श्लोक है ये सृष्टि परक श्लोक है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव उसका प्रलय करते हैं। तो बोले ये ब्रह्मा भी गुरु है या गुरुजी ब्रह्मा भी है, क्योंकि भगवत भक्ति की सृष्टि गुरुजी करते हैं, उन्हीं की कृपा से भक्ति की शुरुआत होती है, फिर उन्हीं की कृपा से वो पालन होता है भजन का, और प्रलय का अर्थ यह है कि इस जगत के झंझट से निकाल के प्रिया प्रीतम के चरणों में पहुंचा देते हैं। तो इसलिए भैया ये जो हमारी भक्ति रूपी संसार है इसके जो पालक हैं, इसके जो सृष्टिकर्ता, बैठ जाइए राजीव, सृष्टिकर्ता और इसके पालक और इसके संसार सागर से पार करने वाले गुरु ही है। और दूसरा अर्थ क्या है कि ब्रह्मा जी भी गुरु है हमारे, और विष्णु जी भी गुरु हैं और शिव जी भी गुरु हैं, और जो साक्षात पर ब्रह्म है उसको हम लोग कृष्ण कहते हैं, कोई राम कहता है, कोई दूसरे कहते हैं, तो जो पर ब्रह्म है वो भी हमारे गुरु हैं। तो ये सृष्टि परक हो गया। अब एक ये जो दूसरा श्लोक है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी जो अंधेरा था जिसके कारण मैं अंधा हो गया था, उस मेरे ज्ञान रूपी आंखें खोली गुरुदेव ने और उन्होंने उसमें सुरमा लगाया, अंजन ज्ञानांजन शलाकया, वो सुरमेदान, सुरमेदानी नहीं, वो सुरमा क्या होता है, सुर सलाई से, या हम लोग पंजाबी सुरमुच्चू बोलते हैं उसको, सुरमुच्चू है ना, उससे वो सुरमा लगाया। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरे अंधकार था चक्षुरुन्मीलितम, जैसे आंखें खोल दी, ये मुहावरा है, अरे भैया कल तो हमारी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई का मतलब कोई रहस्य का पर्दा फाश हो गया, ऐसा नहीं हो, हम लोग भी कहते हैं यार आंखें खोल दी, आई ओपनर इंग्लिश में न्यूज वगैरह में बहुत आता है। तो उन्होंने हमारी आंखें खोल दी, ऐसे श्री गुरुदेव को नमः, हम प्रणाम करते हैं। ये ज्ञान परक, ज्ञान प्रदाता परक है, गुरु जी हमको ज्ञान दें, किसी को ज्ञान चाहिए, अंधकार में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है, तो वो इस श्लोक का गान करते हैं कि ऐसे गुरुजी ने हमारी आंखें खोल दी, हमको ज्ञान दिया, हमें सही मार्ग दिखा दिया, हमारा अंधकार दूर कर दिया। एक अगला श्लोक है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि ध्यायन स्तुमं यस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। मैं उन गुरुजी के चरणारविंद को, चरण कमल की वंदना करता हूं जिनके प्रसाद माने जिनके प्रसन्न होने से, प्रसाद का एक अर्थ है प्रसन्न होना, जिनके प्रसन्न होने से भगवत प्रसाद हो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। सच्चा गुरु जो होगा वो ये तो कहेगा नहीं लाला मेरे लिए कपड़े लाना, लाला मेरे लिए गाड़ी लाना, लाला मेरे लिए वस्त्र लाना, लाला मेरे को पैसे दे, लाला मेरे ट्रस्ट बनवा। जो सच्चा गुरु होगा वो कहेगा लाला माला करो, सवेरे उठो, तिलक लगाओ, भजन करो। अब उन्होंने जो कहा वो हमने किया तो वो प्रसन्न होंगे। अब वो प्रसन्न क्या होंगे, वो तो भगवत विषय में कहेंगे हमसे, तो फिर भगवान को अलग से खुश करने की जरूरत, खुश क्या, वो तो भगवान को खुश करने की ही बात कहेंगे। तो जिस गुरु के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस गुरु के यस्य अप्रसादात, जिसके नाराज होने से, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या होए निर्धन क्या होए पूरी, यदि कोई गुरु से कपट करेगा तो इस जीवन में तो निर्धन हो जाएगा, और इस जीवन में यदि निर्धन नहीं होगा तो क्या होए कोरी अगले जन्म